एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु इस दीवार पे कुछ ऐसा लिखें जिससे मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो जाऊं और दुखी में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। पता है श्री कृष्ण ने क्या लिखा? ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, समय कभी भी ऐसा नहीं रहता। अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा आता ही है। इसलिए हमें कभी भी अपने बुरे समय में विचलित नहीं होना चाहिए। सही समय का इंतजार करना चाहिए और निरंतर संयम बना करके अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। और अंत में अपना टाइम आता ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकेश और स्वागत करता हूँ आप सभी का एफर्ट से हमारे डिजिटल चैनल डिस्टिंग पे। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने वाले हैं इस सदी के सबसे बड़े महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में। कैसे वो एक सबसे बड़े सुपरहिट सुपरस्टार से एक फ्लॉप बिजनेसमैन बनते हैं, जिनके कुछ गलत डिसीजन की वजह से उन्हें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ जाता है। और एक टाइम तो ऐसा आता है भाई कि उनके रोड पे आने की नौबत आ जाती है, लेकिन वो फिर हार नहीं मानते हैं और वापस जोरों दोरों से कमबैक करते हैं। और आज आप सभी जानते हैं कि हमारे सदी के जो महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं वो भी किस मुकाम पे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये बात है दोस्तों 19वें दशक की, जब अमित जी का नाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा चर्चित हुआ करता था। और वो एक के बाद एक मूवी जैसे जंजीर, हेरा फेरी, शोले, हम और काला पत्थर जैसी हिट हिट मूवियां दे रहे थे। तो इस बात को कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उनका काफी ज्यादा तजुर्बा हो चुका था। लेकिन अमित जी ये बात भूल गए थे कि उनको फिल्म में काम करने का तजुर्बा है, फिल्म को रिलीज करने का तजुर्बा नहीं है। और यही गलती उन्होंने की साल 1995 में अपनी कंपनी एबीसीएल को लॉन्च करके। एबीसीएल बोले तो अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। एबीसीएल की शुरुआत 60.52 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ करी गई थी। और साथ ही उन्होंने 150 लोगों की टीम भी हायर किया था, जिसमें एबीसीएल के अंदर फिल्म का प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जो म्यूजिक एल्बम के राइट्स होते हैं उनको बेचना, टीवी शोज के जो भी प्रोडक्शन होते हैं उनको करना, बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उनको मैनेजमेंट करना, तो ये सब उन्होंने काम किया था, प्लान किया था। और ये तो भाई ये भी टारगेट रखे थे कि साल 2000 तक ये अपनी कंपनी के वैल्यूएशन 1000 करोड़ तक कर देंगे। भाई ये सभी काफी अच्छा चल भी रहा था। अगर हम बात करें शुरुआती साल में, तो इन्होंने 15 करोड़ तक का जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लिया था, जिसमें सबसे पहले इनका जो रिलीजिंग था वो एक टीवी शो था, देख भाई देख। और उसके बाद इन्होंने बॉम्बे का एक डब्ड वर्जन लॉन्च किया था, गुलाबी एक तेलुगु मूवी है उसको भी लॉन्च किया था। शुरुआत मतलब काफी इनकी दमदार रही थी, लेकिन ये दमदार ज्यादा दिन तक नहीं चली और अगले ही साल से इनका जो डाउनफॉल है वो शुरुआत हो गया। साल 1996 में एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इनकी कंपनी एबीसीएल के अप्रोच किया, ये कहकर कि आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है इंडिया के अंदर। और ये जो इवेंट है दोस्तों पहली बार इंडिया के अंदर बैंगलोर में होने वाली थी। और इसके जो ऑर्गेनाइजर थे वो थे एबीसीएल। और ये जो डील है पूरी क्लोज हो चुकी थी लगभग $2 मिलियन में। और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में इनके पास जो टाइम बचा हुआ था, मतलब टाइम जो मिला हुआ था, वो लगभग मात्र 4 महीने ही थे। अब भाई हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, कभी भी कोई मूवी वगैरह आने वाली होती है तो हमें साल भर पहले से ही पता होता है, उसका टीजर आ जाता है, ट्रेलर आ जाता है, म्यूजिक वगैरह निकलने लग जाते हैं। तो भाई इनके पास तो देखा जाए तो 4 महीने ही थे और इनके पास कोई पास्ट का एक्सपीरियंस में नहीं था कि जो इवेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्या उसकी मैनेजमेंट होती है। तो यहीं पर जो काफी ज्यादा पुअर उनका मैनेजमेंट हो गया और 2 मिलियन की डील का इनको $5 मिलियन चुकाना पड़ गया। तो इसी कारण से ये अपने इवेंट के लिए ज्यादा स्पॉन्सर्स भी नहीं जुटा पाए थे और इनकी टिकट्स भी काफी कमी सेल हुई थी, तो ऑफकोर्स है ऑडियंस कमी आएंगे। और इसी के कारण, इनके पुअर मैनेजमेंट के कारण, इनको 7 करोड़ का एक्स्ट्रा लॉस हो चुका था। फिर अमित जी ने बोला, भैया कोई बात नहीं, हमें जो भी लॉसेस हुई है इवेंट से उसे हम फिर से रिकवर कर लेंगे मूवी के प्रोडक्शन से। लेकिन अमित जी ये बात भूल गए थे कि वो अब जो भी चीज रिलीज करने वाले हैं सारी बुरी तरह पिटने वाली है। और साल 1997 में उन्होंने लॉन्च किया 7 रंग के सपने, नाम क्या है, सजाए काला पानी। और उन्होंने लॉन्च किया भाई एबी बेबी का म्यूजिक एल्बम। ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से पिटी, क्योंकि अगर हम बात करें दूसरे प्रोड्यूसर्स की तो उधर लॉन्च हो रहा था भाई दिल तो पागल है, बॉर्डर, राजा हिंदुस्तानी जैसे हिट हिट फिल्में। और इनकी जो भी एल्बम्स, जो भी मूवीज ये रिलीज करते गए वो सारी बुरी तरीके से पिटते चली गई और मार्केट में ये पूरा बात फैल गया कि अमिताभ बच्चन की जो कंपनी है एबीसीएल वो धीरे धीरे घाटे के अंदर जा रही है। तो अमिताभ बच्चन ये चीज पूरी क्लियरली समझ गए थे कि उनके पास कोई भी स्टार्स अभी तो फिलहाल काम करने वाली है नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद मैदान में आया जाए। और फिर अमित जी ने मृत्युदाता के अंदर काम किया और उसको अपने ही प्लेटफॉर्म एबीसीएल के थ्रू प्रोड्यूस किया। और आप सभी को पता होगा कि बॉक्स ऑफिस पे मृत्युदाता का भाई क्या ही हाल हुआ था। उनकी जो पहले फ्लॉप फ्लॉप मूवीज थी उससे भी ज्यादा ये काफी ज्यादा डिजास्टर हो गई थी इस मूवी की। और इसी कारण से अमित जी पर जो कर्ज था वो धीरे धीरे आसमान चढ़ने लग गया था। और साल 1999 आते आते उन पर टोटल कर्ज हो चुका था
वो था लगभग 90 करोड़ का। आज के समय से ये जो पूरी रकम है ये बहुत कम लगेगी आपको, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी साल 1999 के लगभग में। और उस समय तक ये जो बात है वो काफी ज्यादा चर्चे में हो गई थी, काफी ज्यादा न्यूज मीडिया वाले इसको कवर कर रहे थे, और धीरे धीरे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे सब तक ये बात पहुंची कि अमिताभ बच्चन काफी ज्यादा कर्जे में है। और उस समय भारत के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे धीरू भाई अंबानी जी, उन्होंने भाई अपना हाथ बढ़ाया फाइनेंशियल हेल्प के लिए। साथ ही राज्यसभा के जो मेंबर थे उस समय पे अमर सिंह, उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ाया था अमिताभ जी के साथ, लेकिन अमिताभ जी ने कहा कि भाई हमें कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए, हमें बस आप सपोर्ट करो फिजिकली या फिर किसी और तौर पर। और अमित जी की खुददारी का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हो कि उनकी कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज थे उन्होंने उसके लिए खुद को बैंकर घोषित नहीं किया। आप एक बार सोच के देखो, अगर उस समय वो खुद को बैंकर घोषित कर देते तो भैया कौन उनका क्या ही कुछ कर पाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज थे सारे खुद पे लिए, जिसके कारण उनको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ गया प्रतीक्षा सहारा के पास। और अगर बात करें उनको किनको कर्ज देना था, तो जो मेजर थे वो थे भाई दूरदर्शन वाले, कैनरा बैंक वाले, काफी उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको उनको पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड ने उनकी कंपनी को एक बीमार कंपनी घोषित कर दिया। लेकिन भाई अमित जी यहाँ पर भी हार नहीं मानते हैं, और एक दिन वो पैदल चलते हुए यश चोपड़ा जी के घर जाते हैं, जो कि उनके घर से काफी ज्यादा नजदीक होता है। और वहां पर जाके वो यश चोपड़ा जी से अपनी सारी आपबीती सुनाने के बाद यश चोपड़ा जी उन्हें मोहब्बतें फिल्म में साइन कर लेते हैं। और बोला जा रहा था कि मोहब्बतें के लिए उन्होंने पहले बोमन ईरानी जी को साइन किया हुआ था, और उसके बाद वो उनको रिप्लेस करके अमिताभ जी को साइन करते हैं। और आप सभी को पता है भाई मोहब्बतें फिल्म जो है काफी ज्यादा हिट हुई थी, जिससे अमित जी का जो कर्जा था वो थोड़ा बहुत कम हुआ। हाँ, उनका पूरा कर्जा जो है वो धीरे धीरे तब कम होना स्टार्ट हुआ जब स्टार प्लस ने उन्हें अप्रोच किया केबीसी के लिए, कौन बनेगा करोड़पति से। और आप सभी को पता है केबीसी जो है अमिताभ बच्चन जी होस्ट करते हैं, और उस समय बोला जा रहा था कि जो अमित जी है वो काफी बड़े सुपरस्टार है, तो वो भाई टीवी शोज वगैरह में नहीं काम करें तो ही बेटर रहेगा उनके लिए, क्योंकि कोई भी जो बड़े बड़े स्टार्स होते थे वो टीवी शोज वगैरह में बहुत जल्दी नहीं आते थे। तो अमित जी ने सोचा भाई उनके पास तो कोई काम है नहीं, और उन्होंने काफी ज्यादा सोच समझ कर ये फैसला लिया कि वो केबीसी के अंदर सिल्वर स्क्रीन पे काम करेंगे। और आप सभी को पता है केबीसी जो कितनी बड़ी हिट साबित हुई है, और धीरे धीरे उसी के कारण से वो अपना जो सारा कर्जा था वो धीरे धीरे उतार पाए। और फिर धीरे धीरे अमित जी कम बैक करने लग गए, और साल 2003 में उन्होंने अपनी कंपनी एबीसीएल का नाम बदल कर सीधा एबी कॉरपोरेशन कर दिया था। और उसमें भाई उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी उस कंपनी को हैंडल कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पहली मूवी लाई पा। और आप सभी को पता है पा में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों ने रोल किया हुआ है, और वो मूवी कितनी ज्यादा हिट साबित हुई थी। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे बुढ़ा होगा तेरा बाप, समिताब, सरकार 3 जैसे हिट हिट मूवियां दी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अमिताभ बच्चन जी ने ना ही सिर्फ अपनी डूबती हुई कंपनी को बचाया बल्कि अपनी इमेज को भी और ज्यादा बेहतर बनाया। तो इसके लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है, बस दो चीजें काफी है इसके लिए। पहला, हार से निपटने की कला, और दूसरा एक दृढ़ संकल्प। तो इसी के लिए दो लाइन, गिर जो गए हो थोड़ा ठहर जाओ, संभल लो, पर हार मानकर कभी रुकना मत, और तब तक मत रुको जब तक जीत ना जाओ। और अंत में दोस्तों श्री हरिवंश राय बच्चन जी की एक छोटी सी प्यारी सी कविता का अंतिम पद, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल और काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए अगर मत जाना, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियोस आपको आगे भी मिल सके और उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।